हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। देखिए, बहुत पेशेंट आता है, बोलता है सर हमारे में जो मर्दाना ताकत है, सेक्सुअल पावर है, एकदम कम हो गई है, या एक बार सेक्स ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी बार सेक्स की इच्छा ही नहीं पैदा होती है, या जिसको हम दूसरे शब्दों में नपुंसकता बोलते हैं। तो आज मैं एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, और यदि आप उसका उपयोग करते हैं हमें यकीन है कि आपको उसका जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। तो नपुंसकता क्या है या खोई हुई ताकत का मतलब क्या होता है? देखिए, मेन है पेनिस में इरेक्शन, जो तनाव है उसकी कमी। अगर आधी गई आधी अधूरी तो वीरी के जल्दी से गिर जाना, यह नपुंसकता या स्तंभन दोष के नाम से हम जानते हैं। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। उम्र की अधिकता हो सकती है, ज़्यादा उम्र हो जाता है तो ब्लड फ्लो इन योर पेनिस हमारे लिंग में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठीक ढंग से सेक्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं हम। दूसरा होता है मास्टरबेशन, जरूरत से ज़्यादा बचपन में, 10-11 वर्ष के बाद बचपन में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन, हस्त मैथुन आदि कर देते हैं, तो मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, सेक्सुअल समस्याएं, ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर में आ जाती हैं, जो सेक्स में बहुत बड़ी बाधा का कारण बनता है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं एकदम सेक्स की दुश्मन है, शरीर को खोखला कर देती हैं और हम सेक्स ज्वाइन ठीक से नहीं कर पाते हैं। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, हमेशा दुखी रहना, हमेशा सेक्स के प्रति अरुचि, ये जितनी भी चीज़ें हैं सेक्स में बाधा डालती डालती है। इधर तनाव होगा तो लिंग में जो तनाव है, इरेक्शन है, वो ठीक से नहीं आता है। नर्व डैमेज हो सकती है, आपके लिंग के आसपास चोट लगने से आदि से हमारी नर्व कभी कभी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। हार्मोनल गड़बड़ी, सबसे बड़ी चीज़ है हार्मोन्स। 10-12 वर्ष के बाद लड़कों के अंदर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जो लिंग का विकास, तनाव, डिस्चार्जिंग शुक्राणु, पौरुष शक्ति यानी पुरुष के अंदर पुरुषत्व का निर्धारण करता है। यह हार्मोन्स यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा तो फर्स्ट क्लास का इरेक्शन, फर्स्ट क्लास का तनाव, फर्स्ट क्लास की डिस्चार्जिंग टारगेट, ये सब चीज़ें फर्स्ट क्लास की होंगी। यही हार्मोन्स यदि कम बनेगा तो कम नहीं बनेगा तो एकदम सेक्सुअल एक्टिविटीज में सफलता हमें नहीं मिलती है। तो आज का मैं फार्मूला जो बता रहा हूँ हर कोई बना सकता है, तो आप इस फार्मूले को नोट कर सकते हैं। एक अच्छे पंसारी की दुकान पर जा करके ये सभी चीज़ें आप रॉ मटेरियल यानी कूट पीसी पिसाई न ला करके खुद लाएं और साफ करके कूट पीस करके बनाएं, देखिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। अकरकरा की जड़ 100 ग्राम लेंगे। अब अकरकरा की जड़ क्या करती है? हमारा जो वीर्य होता है गिरने से रोकता है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्तंभन दोष, वीर्य गिरने की प्रक्रिया, शीघ्र पतन को यह बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल करता है। पुराने ज़माने में जब लोग हाथों पर आग ऐसे चलाते थे तो इसी अकरकरा की जड़ को पीस करके रगड़ते थे और उस पर आग लगाते थे तो हमें एहसास नहीं होता था। तो इसकी जड़ हम लेंगे, अकरकरा की जड़ 100 ग्राम। दूसरा लेंगे अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा खड़ा एकदम रॉ मटेरियल, उसको भी लाइए, पारी कूट पीस करके आप कपड़ छन करके इसको भी रख लीजिए 100 ग्राम। यह नर्व शक्ति, मानसिक ताकत का कारण बनता है, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी आदि पर बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है, यानी सेक्स की सबसे अच्छी दवाओं में यह माना जाता है अश्वगंधा चूर्ण। तो अश्वगंधा लाएँ कूट पीस करके, इसको भी 100 ग्राम ले लीजिए। तीसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, इसको भी आप 100 ग्राम ले आइए। ये क्या करता है? वीर्य को गाढ़ा करता है, वीर्य को गाढ़ा, इसको भी ले आइए। अब धूप में सुखा लीजिए, फिर बारीक कूट पीस करके इसको भी 100 ग्राम आप रख लीजिए। यह वीर्य को गाढ़ा करता है, इस पर कोटिंग आदि में बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। अगली चीज़ लाइए आप कौच बीज 100 ग्राम, कौच बीज 100 ग्राम, यह स्पर्म को बढ़ाता है, शुक्राणुओं को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है, शुक्राणु के जितने भी दोष होंगे इस कौच बीज से दूर हो जाते हैं। तो अब इसको कैसे लाना, इसको भी 100 ग्राम लाइए। 100 ग्राम ला करके लगभग 1 kg दूध में इसको उबाल करिए, इतना उबाल करिए, उबालिए उबालिए, उबालने के बाद इसको आप छिलका हटा लीजिए, छिलका हटा करके सुखा लीजिए, फिर इसको भी बारीक कूट पीस करके रख लीजिए, और यह भी हमारा होगा 100 ग्राम, जो स्पर्म काउंटिंग को बढ़ाता है।
देखिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी चीज होती है स्वर्ण भस्म, यह 10 गुना 15 गुना 20 गुना तक हमारी दवाओं की ताकत को बढ़ा देता है। तो स्वर्ण भस्म लगभग ये चारों चीजें कूट पीस करके रख लीजिए, इसमें मैं समझता हूँ कि 500 मिलीग्राम 500 mg, यदि आप सक्षम हैं, ताकतवर हैं, पैसे से समृद्ध हैं, तो 1 ग्राम के आसपास इसमें आप स्वर्ण भस्म मिला करके रख लीजिए, जबरदस्त आपकी दवा तैयार हो गई। अब इस दवा को लेना कैसे है, सुबह 1 घंटा योग प्राणायाम कपालभाति आदि करने के बाद आप इसमें से 1 ग्लास दूध लीजिए और उसको खूब बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद इसमें से 1 चम्मच यानी 3 से 4 ग्राम 1 चम्मच ले लीजिए और वह मिश्र युक्त गाय का दूध आप ले लिया करें। इसके 1 घंटे आगे और 1 घंटे पीछे कुछ न खाएं आप, तो इसको लीजिए। दूसरी चीज क्या करिए, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रिष्ट आता है, अश्वगंधा रिष्ट एक लिक्विड आती है, भोजन के आधे घंटे के बाद इसमें से लगभग 2 से 3 चम्मच पानी, 2-3 चम्मच इसमें से जो लिक्विड है वह और 3-4 चम्मच पानी मिला करके भोजन के आधे घंटे के बाद ले लिया करें। देखिए आपको जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। अक्सर हमने देखा है बहुत ज़्यादा हम जब मास्टरबेशन कर देते हैं तो हमारा जो लिंग का जो ग्लांस होता है जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जैसे ही पेनिस वजाइना के अंदर जाता है तो वह जो है उस टेम्परेचर को सह नहीं पाता है और वीर्य हमारा बहुत जल्दी गिर जाता है। तो उसके लिए क्या करें, एक चिकित्सक से मिल करके लिडोकेन, प्रिलोकेन या जाइलोकेन तीनों में से कोई एक ट्यूब लाएं और संबंध से 4-5 मिनट पहले लिंग के कवर पर से हटा दीजिए और उसके ग्लांस पर शिष्ट मुंड पर 3-4 बूंद लगा कर 3 मिनट तक हल्का हल्का 4 मिनट तक हल्का हल्का मसाज करें, 3 मिनट सफिशियंट है। इसके बाद जाकर के आप बिफोर प्ले ज्वाइन करें, बिफोर प्ले कम से कम 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 15 मिनट तो 10 मिनट होना ही चाहिए। अब क्या करें, उस मरहम को पोंछ दें, वजाइना के अंदर जैसे पेनिस इंटर करता है तो स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करिए। देखिए जैसे लगता है वीर गिर जाएगा 10 सेकंड 15 सेकंड रुक जाइए, फिर संबंध बनाइए, लगता है वीर गिर जाएगा 10 सेकंड 15 सेकंड फिर रुक जाइए। इस तरह स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक अपना करके आराम से आप एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं। अब क्या लें क्या न लें, अपथ्य में इमली, आम का अचार, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, फास्ट फूड, गरिष्ठ भोजन जो बहुत देर से पचते हैं ऐसे भोजनों को हम अवॉइड करें। खाने में कुछ चीज़ें हैं जो शरीर को बहुत ताकत देती हैं, 8-10 बादाम आप जरूर रात को भिगो करके सुबह चबा चबा कर खाइए, 3-4 अखरोट ले सकते हैं, सफ़ेद तिल भून करके रख लीजिए 1 चम्मच उसको भी ले लिया करिए, अलसी भून करके रख लीजिए उसको भी 1 चम्मच, यानी सफ़ेद तिल सुबह लेते हैं तो अलसी रात को, या अलसी सुबह लेते हैं तो रात को तिल लिया करिए, दोनों एक साथ मत लीजिए। आप सामान्य जो भोजन होते हैं उसको लीजिए, ऐसे भोजन जो बहुत देर में पचते हैं उससे बचना चाहिए, गरिष्ठ भोजन, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हमको खाना नहीं खाना है, स्वस्थ रहना है तो हमें कम से कम 30% भोजन कम खाना चाहिए। और भोजन खाने का तरीका होता है, भोजन खाने के लगभग 40 मिनट पहले 1.5-2 गिलास पानी पीजिए और खाना खाने के 40-50 मिनट के बाद पिया करिए। भोजन के समय 1-2 घूंट से ज़्यादा पानी आप मत पीजिए, देखिए डाइजेशन प्रणाली भी आपकी सही रहेगी। देसी घी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। कुछ चीज़ें जो आपको और करना चाहिए, पेट को हमेशा साफ रखें, पेट को हमेशा साफ रखिए, कपाल भाति कम से कम 1/2 घंटा अनुलोम विलोम, इसको 15-20 मिनट जरूर करिए। आप धूप में जरूर 1 घंटा बैठें, व्यायाम जरूर करिए 1/2 घंटा 40 मिनट 30-40 मिनट, पर्याप्त नींद लीजिए, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन इन सब से दूर रहिए। यार देखिए आपको सफलता न मिले तो हमसे कहिए, मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से सफलता नहीं मिलती है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, हमसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है उनसे मिल सकते हैं, या यहाँ अमाउंट सेंड करके आप दवा भी मंगा सकते हैं, हमारे 2 फोन नंबर हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।